क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पार्ट आपको बनाना है क्वाड्रिलेटरल प्लान। क्वाड्रिलेटरल प्ले और इसमें क्या स्पेशल है, PL आपके पास 4 सेंटीमीटर, LA आपके पास 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P, ये L है और ये एंगल का निशान है, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल N इक्वल टू 85 डिग्री। पहले तो रफ फिगर बना लेंगे ऐसे ही, ये बना लिया हमने क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर। PLAN, PL 4, LA 6.5, P 90, A 110, N 85, P से L तो बना लेंगे हम 4 सेंटीमीटर, यहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बना लेंगे, लेकिन जब तक हमें ये एंगल नहीं मालूम होगा हम ये साइड ड्रॉ नहीं कर सकते। जब तक ये एंगल नहीं मालूम होगा ये साइड ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इस एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे। सॉल्यूशन इन क्वाड्रिलेटरल प्लान, एंगल पी प्लस एंगल एल प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 90 डिग्री प्लस एंगल एल प्लस 110 प्लस 85 इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल एल प्लस, बाकी सबको प्लस कर लेते हैं, 90 प्लस 110 200 और ये हो जाएगा 285 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल एल इक्वल टू 360 माइनस 285, तो ये एंगल एल इक्वल टू 2080 माइनस 5 75 डिग्री, एंगल एल 75। तो फिगर दोबारा जब आप बढ़ाओगे तो इसमें एंगल एल की जगह लिख लो 75। क्लियर है? अब बनाएंगे कैसे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले अगर स्टेप हम काउंट करें रफली, तो सबसे पहले तो आप PL बनाओगे, PL क्योंकि लेंथ पता है 4 सेंटीमीटर। फिर सेकंड में आप ये जो P और L है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, कैसे ये आर्क लगा, ये 1 1 और यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे ऐसे करके 90 डिग्री आपको आता है, बता रखा है, एंगल पे 90 बनाओगे। फिर L पे 75, थर्ड L पे 75 कैसे बनाएंगे इसे देख लो, पहले बताया था दोबारा रिवाइज कर लो। P पे तो ऐसे ऐसे करके यहां से ऊपर ऐसे 90 बना लिया, L पे 75 बनाने के लिए पहले तुम्हें ऐसे एक आर्क लगा के 60 बनाना पड़ेगा, 60 से दूसरी आर्क 120, 120 और 60 का बाइसेक्ट करके 90। अब ये 90 वाला पॉइंट जो आर्क 90 पे कट कर रही है और 75 पे कट कर रही है, इन दोनों पॉइंट से एक आर्क, एक एक आर्क लगेगी, तो ये 75 हमने पहले ही बनाया, 75 ये 75 हो गया, 75 ये 90। फिर फोर्थ में क्या करना पड़ेगा स्टेप में, ये जो P है, L है, P से 90, L से 75, इस 75 पे ये देखो L से 6.5 सेंटीमीटर दूर A है, तो इस पे 6.5 का कट लगाओगे, A लिखोगे, यानी 6.5 सेंटीमीटर A। फिर क्या करोगे फिफ्थ में आप A पे 110 डिग्री का एंगल बनाओगे। अब आपके पास P था, L था, ये था, ये A है, ये ऐसे है, तो ये 90 है,
ये 75 है, यहाँ पे 110, तो 110 का के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ये 90 और 75 किससे बनाने हैं, इससे, क्लियर है। तो अब आपको रूलर यूज करके, कंपास यूज करके, और अब आपको बना लेना है 110 यहाँ पे, तो 110 ऐसे आएगा, ऐसे जो पहले वाली है पी वाली जो साइड है, इसको आके कहाँ पे कट कर देगा, एन पे, ये 110। फिर आप जब इसे चेक करोगे, इसको जब आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये 85 डिग्री का होना चाहिए ये वाला एंगल। अगर ऐसा होता है, ये एंगल 85 डिग्री का आ जाता है आपका ऑटोमेटिक अपने आप, तो यानी आपका सारा फिगर सही बन रहा है। दोबारा रिवाइज करो, सबसे पहले आप पी एल बढ़ाओगे 4 सेंटीमीटर, फिर पी पे 90 डिग्री, एल पे 75, ये हमने निकाल लिया एल 75, फिर एल से 6.5 की आर्क, ए पॉइंट, फिर ए पे 110 का एंगल, ये साइड पी वाली साइड को एन पे कट करेगी, ये चेक करोगे 85 आना चाहिए। एक बार फेयर बना रहे हैं, देखते हैं चेक करना। सबसे पहले हम पी एल 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बनाना आपको, तो 4 सेंटीमीटर के लिए आप क्या करोगे, स्केल रखा 0 के सामने, 0 के सामने हमने ये इससे पॉइंट से 0 के सामने निशान लगाया, बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल ध्यान से, और 4 सेंटीमीटर के ऊपर से ऐसे ध्यान से निशान लगाया, और निशान लगाने के बाद पेंसिल से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, और इस पे रख दिया, लिख दिया हमने P, और इस पे लिखा हमने L। पहला काम हो गया हमारा, PL बना लिया 4 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, फिर ये ओपन करेंगे, इस P वाले पे 90 डिग्री का बनाना है, तो इसे हम खोलेंगे और एक आर्क लगा लेंगे बिना हिलाए, ये इस तरह से, जहां ये फर्स्ट कट हुआ है, इस आर्क ने लाइन को पहली बार कट किया है, यहां पे इसे ये निशान लगा लिया, बिना इसको चेंज किए, जितना हमने पहले खोल के ये सर्कुलर कट लगाया था, फिर इस पे रख के एक कट ऐसे, और पहला कट लगाते ही फिर इस पे ऐसे डिप करके निशान लगा लो एग्जैक्ट, कि इसे रखने में दिक्कत ना हो, फिर इससे दूसरा कट ऐसे, और एक ऊपर निशान लगाएंगे, और ये जो दूसरा कट था इस पे फिर ये निशान लगाया, और आपको ये पॉइंट अब यहाँ पे दूसरे वाले कट पे और ऊपर पहली आर्क को कट किया। 90 बनाना सिखा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पहले ही आ गया होगा ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, किन दोनों पॉइंट्स को, ये वाला और ये ऊपर वाला, ये हमने ज्वाइन कर दिया एग्जैक्ट, ये 90 डिग्री का, इसके बेटा ये 90 डिग्री का हो गया। अब एल पे कितने डिग्री का, 75 डिग्री, तो एल पे 75 डिग्री का बनाने के लिए आर्क लगाएंगे, एक 60 और 90 की, ये देखो जैसे उधर 90 बनाया था ऐसे इधर भी 90 बनाना, सेम जो पी पे किया था यहां भी करना है, सेम आर्क ये, फिर यहां से एक कट, ये 60 हो गया, 60 के बाद ये दूसरा कट, ये 120 हो गया, 60 और 120 को बाइसेक्ट किया, ये 90 हो गया, जैसे इधर किया था हमने, तो हमने इधर भी 90 बना लेना है पहले, तो एक बार 90 का ही हमें चाहिए, ये अब ये 90 वाले ने आर्क को कहां कट किया है, यहां इस वाली आर्क को कहां कट किया, यहां 60 वाले ने कहां कट किया था, यहां, तो 60 और 90 का बाइसेक्टर बनाना है तभी 75 बनेगा, तो 60 पे रखा, 60 वाले पॉइंट पे ऊपर आर्क लगा दी, फिर 90 वाले पॉइंट पे रखा, फिर ऊपर आर्क लगा दी, दोनों आर्क एक दूसरे को जहां कट करेंगे वहां पे निशान लगा दिया,
और इस निशान को और एल वाले निशान को कनेक्ट कर लिया। यहाँ इसमें पेंसिल रखी, फिर वहाँ उसमें पेंसिल रखी, टच किया, फिर पेंसिल रखी और ये हो गया हमारे पास। ये आपका 75 डिग्री है। फिर आपको क्या करना है, एल से 6.5 के डिस्टेंस पे, तो ये स्केल लिया 6.5, इधर 6.5 के सामने ये डॉट आना चाहिए और उधर 6.0 के सामने हम निशान लगा लेंगे। ये तो ये आपका 6.5, ये पॉइंट आपका क्या आ गया, ए। तो ये हो गया 6.5। अब ए पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 110 डिग्री। तो ए पे 110 डिग्री कैसे बनाएंगे, ये इस तरह से ये रखेंगे हम यहां पे, इस तरह से ऐसे ये। अब यहां मेरा पेज छोटा पड़ गया है, यहां मुझे 110 डिग्री का बनाना था, तो यहां मेरा पेज छोटा बन गया पड़ गया, लेकिन अब मुझे अंदाजा है, अंदाजे से मैं निशान नहीं लगा सकता, वरना मैं देखो यहां जीरो है, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मैंने पॉइंटर, ये वाला जो यहाँ क्रॉस होता है, ये बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर रखा, ए के ऊपर, और इसकी ये वाली लाइन जो है, ये जो मेरी पहले एल वाली लाइन थी, एल वाली लाइन के ऊपर एग्जैक्ट सही एडजस्ट की है ये इस तरह से। तो ये यहां से जीरो से शुरू करेंगे, जीरो, ये 90 के बाद 100 और ये 110, यहां मेरा आंसर आएगा इधर, इधर ये 110, इधर जीरो से शुरू करेंगे, तो ये मेरा आंसर बिल्कुल इस लाइन से जो पहले से ड्रॉ थी इस लाइन के ऊपर आया है यहां पे। तुम ये फिगर पेज के बीच में बनाना ताकि दोनों तरफ गैप तुम्हें मिले इसे कनेक्ट करने का। अब मैं इन्हें कनेक्ट कर दूंगा, ये हो गया 110 डिग्री। अब मेरा ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, मैं इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लूं ताकि ये एंगल मैं मेजर कर सकूं, तुम्हें दिखा सकूं कि कितने डिग्री का ये एंगल है। अगर ये सब सही बना है तो ये वाला एंगल पी एल ए एन, ये एन वाला एंगल 85 डिग्री का आना चाहिए। तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, पॉइंट यहाँ लाइन ये है, तो ये जो क्रॉस वाला पॉइंट है इसको इस पॉइंट पे रखेंगे, इस वाली लाइन को इस लाइन के ऊपर एडजस्ट करेंगे, ये कर लिया हमने। ठीक, अब यहां से, अब ये किधर से, इधर से जीरो शुरू करेंगे, जीरो, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90, 80 और 90 के बीच में ये लाइन आ गई 85 पे। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया आपका, 85। तो अब ये 85 डिग्री का हो गया, ये 110 डिग्री का हो गया, ये आपका 90 डिग्री का हो गया, और इसे हमने कैलकुलेशन से पता किया था कि 75 डिग्री का है। पी एल आपके पास 4 सेंटीमीटर हो जाती है और ए एल आपके पास 6.5 सेंटीमीटर होती है। ये जो पॉइंट है, जैसे मैंने इससे लगाने सिखाए हैं, फिर कनेक्ट करना सिखाया, ऐसे लगाओगे तो ही ये सारा सही बनेगा और लास्ट में 85 डिग्री आएगा, अदरवाइज इसमें गलतियां होती ही होती हैं, ये ध्यान रखना। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको पैरेललोग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम एच ई ए आर, जिसमें एच ई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ई ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, एंगल आर की वैल्यू 85 डिग्री। तो पैरेललोग्राम बना लो इस तरह से, नाम लिख लो पैरेललोग्राम पे, एच ई ए आर, एच ई 5 सेंटीमीटर, ई ए 6 सेंटीमीटर, एंगल आर 85 डिग्री।
ऐसे है। सॉल्यूशन, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर आर ए इक्वल टू एच ई, आर ए इक्वल टू एच ई और एंड आर ए इक्वल टू एच ई कितनी है 5 सेंटीमीटर। रीजन बता दो कि एच ई आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आर ए भी आपके पास ये भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। रेड से इसलिए लिख रहा हूं तुम्हें ध्यान रहे कि क्वेश्चन में नहीं दिया, वो हमने कैलकुलेट करके निकाला। और आर एच इक्वल टू ए ई, आर एच इक्वल टू ए ई, देयरफॉर आर एच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ए ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये साइड होगी 6 सेंटीमीटर। तो चार तो साइड पता लग गई है। अब एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ई इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल आर इक्वल टू 85 डिग्री गिवन है, देयरफॉर एंगल ई भी 85 डिग्री होगा। तो एंगल ई फिगर में एंगल ई आर दिया हुआ है, ई अपोजिट इक्वल है, तो ये भी 85 डिग्री हो जाएगा। एंगल एच और ए भी निकाल लें, दोनों में से एक एंगल आ जाए तो दूसरा भी इक्वल हो जाएगा। कोरस्पोंडिंग एंगल्स या इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स या इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देयरफॉर एंगल आर प्लस में एंगल एच इक्वल टू 180, एंगल आर गिवन है 85 डिग्री, तो प्लस में एंगल एच इक्वल टू 180, एंगल एच इक्वल टू 180 माइनस 85, तो एंगल एच इक्वल टू 95। तो एंगल एच फिगर में कितना आ गया आपके पास अब 95। एंगल ए इसका अपोजिट है, तो ये भी कितना हो जाएगा 95। लिख लेते हैं, ये देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल एच इक्वल टू 95 डिग्री। अब ये तो चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखो बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई हैं। सबसे पहले मैं बढ़ा लूंगा एच ई, मैं यहां रफली स्टेप बता रहा हूं, पहले में मैं एच और ई बना लूंगा 5 सेंटीमीटर, फिर एक यहां से 85 डिग्री और यहां से 95 डिग्री की आर्क लगा लूंगा। आर्क क्या, ये तो आप इससे बनाओगे, आर्क से नहीं बनेंगे, यहां पे 95 डिग्री बनेगा और यहां पे 85 डिग्री बनेगा ऐसे, और यहां से 6 सेंटीमीटर का कट लगेगा, यहां से भी 6 सेंटीमीटर का कट लगेगा और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दोगे बस। तो ये क्या हो गया R और ये क्या हो गया A, चेक करोगे तो ये 85 और ये 95 आ जाएगा। आपको बनाना क्या है, ये 95 बनाना है और ये 85। दोबारा देखो, सबसे पहले HE बनाओगे 5 सेंटीमीटर, फिर एंगल H बनाओगे 95 डिग्री, फिर एंगल E बनाओगे 85 डिग्री, फिर फ्रॉम H कट लगाओगे 6 सेंटीमीटर और फिर फ्रॉम ई कट लगाओगे 6 सेंटीमीटर। जो पहले वाला कट है उसको नाम दे दोगे आर, बाद वाले कट को नाम दे दोगे ए, फिर आप ज्वाइन करोगे आर टू ए, आर को ए से, तो आपका ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। फोर्थ,
आपको रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल ओके ओके, तो ये रेक्टेंगल हो गया आपका ओ के ए वाई ओके। इसमें आपको दिया इसने ओ के इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ के 7 सेंटीमीटर, और के ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, के ए 5 सेंटीमीटर। आपको पता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90-90 होते हैं, 90-90 अपोजिट साइड इक्वल है, ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो सॉल्यूशन में ये सब लिख दोगे, सॉल्यूशन इन रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ओ इक्वल टू एंगल के इक्वल टू 90। मुझे दो ही चाहिए इसलिए लिख लिया है, बाकी भी 90-90 ही होंगे। एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ओ वाई इक्वल टू के ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मुझे यही चाहिए थी इसलिए यही लिखा, ऊपर वाले मुझे चाहिए नहीं, बिल्कुल अब पीछे वाले की तरह हो गया है। सबसे पहले स्टेप्स बता रहा हूं मैं, सबसे फर्स्ट स्टेप में मैं ओ और के बनाऊंगा, सेकंड स्टेप में एंगल ओ पे 90 डिग्री लगाऊंगा, थर्ड स्टेप में एंगल के पे 90 डिग्री बना दूंगा, और फोर्थ स्टेप में फ्रॉम ओ कट लगाऊंगा एक में 5 सेंटीमीटर के बराबर, और फिफ्थ स्टेप में फ्रॉम के मैं कट लगाऊंगा 5 सेंटीमीटर का। पहले वाले कट को मैं नाम दे दूंगा वाई, और दूसरे वाले कट का मैं नाम दे दूंगा ए, और लास्ट वाले में बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से मैं ज्वाइन कर दूंगा वाई टू ए। देखना कैसे, ये बनाया मैंने ओ फिर के, इस पे 90 कैसे बनाते हैं, ये आर्क फर्स्ट कट, सेकंड 60 120 120, और 60 का बाइसेक्ट हो गया 90। सेम इधर से कट 60 और 120, इसका बाइसेक्ट हो गया 90। तो मैंने फर्स्ट स्टेप लिख ली ओके, फिर यहाँ पे 90 बनाया, फिर के पे 90 हो गया दोनों का। फोर्थ स्टेप ओ से कट 5 सेंटीमीटर, ओ से 5 सेंटीमीटर के दूर कट, और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने वाई। फिर अगले स्टेप में के से 5 सेंटीमीटर के दूर कट, के से 5 सेंटीमीटर ये, और इसको नाम दिया ए। लास्ट स्टेप में वाई और ए को ज्वाइन कर दिया, और मेरा रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें ये मैंने बनाया था सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, लास्ट में मैं मेजर करूंगा तो ये 7 सेंटीमीटर आनी चाहिए। चेक कर लेना, उससे पता लगेगा तुम सही बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। क्लियर है?